नमस्कार, मेरा नाम अनीस मिश्रा है। मैं फिर से आप सभी को प्रणाम करता हूं और बाबा दा स्कूल ऑफ म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम वीडियो बनाए हैं आपके लिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सारंगी पे लहरा कैसे बजाए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सारंगी पे सीख रहे हैं, सारंगी अभी सीख रहे हैं और वो लहरा बजाने में उनको अभी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये वीडियो बहुत सिंपल लहरा हम आपको आज बताएंगे। जैसा कि हम बताना चाहेंगे आपको कि तबले में तीन ताल जो सबसे लोकप्रिय ताल माना गया है, उसमें 16 मात्रा होते हैं, उसके चार खंड होते हैं, चार चार मात्रा के चार विभाजन होते हैं। तो ये जो लहरा है, ये मैं आपको बताऊंगा कि चार चार विभाजन कैसे किया जाए। सबसे पहले जब भी हम लहरा शुरू करते हैं तो हम 13वीं मात्रा से शुरू करते हैं। एक, दो,
तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ग म ध नि ध स, ये सम आ गया। तो हमारा जो लहरा शुरू हो रहा है वो 13वीं मात्रा से शुरू हो रहा है, जिसके सरगम है ग म ध नि ध स स स स नि ध नि स नि ध म ग सा ग म ध नि ध। अब मैं आपको ताली दूंगा हाथ से और मुंह से सरगम के स्वर बोलूंगा। सो ग म ध नि ध स स स स नि ध नि स नि ध म ग सा क म ध नि ध स, ये आपका सम आ गया है। तो अब मैं आपको सारंगी पे बजा के दिखाऊंगा। ये सबसे सिंपल लहरा है और ये पुराने समय में सबसे ज़्यादा यूज़ होता था ये लहरा। दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह 13 14 15 16। जैसा कि मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो चार हमारे खंड बन रहे हैं वो ऐसे बन रहे हैं। पहला खंड बन रहा है जैसे सम से शुरू किया, तो ये देखिए एक दो तीन चार, ये पहला खंड हुआ। दूसरा खंड तो चार चार आठ, दो खंड हो गए। फिर उसके बाद तीसरा खंड, ये तीसरा खंड हुआ। अब हमारा चौथा खंड, जिससे जब भी लहरा शुरू करते हैं तो यहीं से शुरू करते हैं। तो ये जो लहरा है वो सबसे आसान और सबसे मतलब कह सकते हैं लहरा सीखने के लिए, लहरा को कैसे बजाया जाए वो सीखने के लिए ये सबसे आसान और सबसे मधुर लहरा में इसकी गिनती होती है। ये राग चंद्र कोंस में रहता है, तो इससे आपको इजी पड़ेगा। कभी भी आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है लहरा बजाने में, या सपोज दैट कभी कभी ऐसा होता है कि आप लहरा बजा रहे हैं और आपके लय हिल रहे हैं, तो आपको सबसे आसान तरीका है कि जब भी आप लहरा बजा रहे हैं तो आप अगर सारंगी पे लहरा बजा रहे हैं, मैं सारंगी पे लहरा की बात करूँगा, तो हमारा एक पैर, जैसे कि ये देख आप नोटिस करिएगा कि जब भी कोई सारंगी वाले या कोई भी रहते हैं तो उनको लय रखने के लिए सबसे आसान रहता है ये अपने पैरों से
अपना लय बनाते हैं, जैसे ये हमारा लय है, ये हमारे पैर से लय चल रहा है। पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, एक। सो पैरों से हम लय देते हैं, जिसके वजह से अगर हम तबले के साथ बजा रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम ना हो, हमारा जो रिदम है वो तबले के साथ मैच ना करने लगे, हमें एक जगह पे रह करके लहरे को गाड़ के वही उसी स्थान पे रखना है, क्योंकि अगर कोई लयकारी, अगर तबले में कोई लयकारी कर रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम ना हो। अगर हमारा लय सही नहीं होगा तो हमारा टेम्पो बढ़ने की वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकती है तबला सोलो बजाने में। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये स्टार्टिंग में लहरा सारंगी पे कैसे बजाया जाए, इसके लिए हम ये बात कर रहे थे। और आशा है आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मैं सभी को फिर से प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।